हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आज मखाने वाली खीर बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, मखाने लिए हैं और दो इलायची है और काजू के टुकड़े लिए हुई है और ये बादाम मैंने चॉप कर दिए हैं और ये सूखा नारियल मैंने ग्रेट किया हुआ है और ये किशमिश। तो अभी इनको मैं फ्राई करूँगी पहले। तो चलिए अभी खीर बना लेते। तो यहाँ मैंने देसी घी डाल दी था कढ़ाई में और ये जो ड्राई फ्रूट थे मैंने उनको इकट्ठा कर दिया था ताकि डालने में ना ईजी रहे। तो अभी इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और हल्का सा ब्राउन होने के बाद अभी मैं मखाने डाल दिए हैं तो इनको भी अभी मिक्स कर देती हूँ अच्छे से। देखिए अभी ये मिक्स हो चुके हैं, थोड़ा हल्का ब्राउन करना इनको भी। और अभी मैं दूध डाल दिया है, अभी इसको भी अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और दो अभी जो दो इलायची ली थी अभी उनको भी मैंने डाल दिया है, अभी इसको भी अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और अभी मैंने चीनी डाल दी है, ये देखिए। तो इसको मिक्स करने के बाद फिर इसको अच्छे से यानी कि 15-20 मिनट तक इसको उबाल आने देंगे, उसके बाद ही मैं सब करूँगी। तो अभी मैं पूजा कर लेती हूँ। तो अब हमारी जो है पूजा हो चुकी है और हमने आरती भी उतार दी थी माता रानी की। तो अभी मैं जो है आरती ले लेती हूँ, उसके बाद फिर अब हम भोग लगाएंगे माता रानी को। तो यहाँ पर हस्बैंड जी लगा रहे हैं भोग ड्राई फ्रूट का और मैं लगा रही हूँ फ्रूट का। और हमारे पास ना आज अमरूद सेब और कीवी था, केला नहीं था, तो यही इसका ही भोग लग रहा है। और मैंने जो खीर बनाई थी ना मखाने की, तो वो मैंने अभी भोग लगा रही हूँ। और मुझे पता नहीं था आज खीर की भोग चढ़ती है, तो वो तो मैं बाद में सुना था। तो अच्छा, वो मैंने खीर का भोग बना लिया था। और यहाँ ये जो खीर बची थी अभी हस्बैंड जी को दे देती हूँ, तो वो भी अभी ड्यूटी जाएंगे, उनका भी फास्ट है। तो यहाँ पर मैं मेरी भिंडी बेटे के नाश्ते के लिए और साथ में बनाऊँगी मैं चपाती। हेलो जी, नमस्कार, जय माता दी, राम राम, आप सब कैसे हो? तो आप ज़रूर बताएं और आपकी नवरात्रि जो है कैसी चल रही है वो भी आप बताएं। और इस वक्त टाइम 10 o'clock हुआ और मेरा ना लगभग कुछ काम नहीं हुआ क्योंकि कोई आगे थे घर में, तो फिर उनके पास मैं थोड़ा बैठ गई थी बात करने के लिए और सारा भी काम पीछे रह गया। यानी कि आज कपड़े वगैरह भी मैंने वॉश करने हैं क्योंकि 2 दिन से मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। और कल भी मैंने वॉश किया था क्योंकि कल मेरे बेटे का बर्थडे था और परसों भी मैंने वॉश नहीं किए थे, तो ऐसे ही चल रहा था। तो आज मैं कपड़े वगैरह वॉश करूंगी और कल भी वैसे नहीं होंगे क्योंकि कल नौमी है और हमारे यहाँ थर्सडे को वैसे भी जो कपड़े हैं वॉश नहीं करते, बिल्कुल साबुन हाथ में नहीं लगाते हैं। तो आज मैं सारी जो है कपड़े वॉश करूंगी। और उससे पहले ना मैं जो खड़ा मसाला बनाती हूँ ना, जो ड्राई मसाला होता है, तो वो उसको मैं मिक्स करके रखूँगी। तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं खड़े मसाले में क्या क्या यूज़ करती हूँ। तो उसको ना मैं धूप में डाल के रख दूंगी, तो क्योंकि आजकल जो बरसात का सामान होता है ना थोड़ा अच्छा नहीं होता, वो बारिश के कारण वो सेल जाता है। तो उसको थोड़ा धूप लगा के रखो तो अच्छा रहता है, यानी कि काफ़ी दिन तक वो स्टोर हो जाता है। तो वो अब मैं उसको धूप में रख दूंगी क्योंकि फिर धूप चली जाएगी, अभी 10 बज गए हैं। और उसको पहले रखने के बाद फिर मैं कपड़े वगैरह वॉश करूँगी, जो भी काम है उसको उसके बाद ही करूँगी। और यहाँ बैठा है बेटा, ये देखिए अपना ऑफिस का वर्क कर रहा है, कभी इसका हॉल में ऑफिस बन जाता है और कभी ये रूम में चला जाता है। और इसकी अभी यानी टेबल तो आ गया लेकिन हमने टेबल सेट नहीं किया अभी तक, तो वो देखते हैं अभी कब सेट करते हैं। और चेयर भी उसकी आ गई है तो चेयर भी सेट करनी है। ऑफिस तो इसका बन जाएगा रूम में लेकिन इसका ऑफिस चलता फिरता ही है। मैं पहले भी आपको बताया था कि इसका जो ऑफिस है ना चलता फिरता है, जहाँ भी इसका मर्जी होती है वहाँ लिफ्ट लेके बैठ जाता है। तो चलिए अभी आप भी कर दो हाय हेलो। तो ये अपना काम में बिजी है और अभी मैं कर लेती हूँ काम, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये लिए है मैंने खड़े मसाले, 1 कटोरी जीरा है और 1/2 कटोरी मीठी सौंफ, 1/2 कटोरी सरसों है और 1/2 कटोरी कलौंजी है। तो ये अभी मैं मिक्स कर लेती हूँ चारों को। तो ये जो कलौंजी है ना बहुत अच्छी होती है, खाने में बहुत हेल्दी रहती है, तो इसको खाना चाहिए। और ये जीरा, जीरा तो आप सबको मालूम है। और ये सौंफ, सौंफ भी बहुत अच्छी रहती है खाने में, यानी कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है ना वो अच्छा रहता है। और यहाँ सरसों ली है मैंने और जो सरसों का टेस्ट रहता है ना खाने में बहुत अच्छा लगता है जब मुंह में आती सरसों। तो ये सब मैंने मिक्स कर दिए हैं, देखिए अब अपने हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं कम ज़्यादा। तो मैं तो इतना ही डालती हूँ अच्छे से मिक्स, और तड़के में बहुत ज़्यादा टेस्टी देती है ये सब मटेरियल। तो अभी मैं बड़े थाल में डाल दिए और इसको धूप में रख देती हूँ। आज ना धूप भी थोड़ा कम लग रहा है। तो यहाँ पर तुलसी के पत्ते भी सूख रहे हैं, तो आपने पहले वीडियो देखा था ना मैंने कितने पत्ते लिए थे, तो देखिए कितने से रह गए हैं, बिल्कुल थोड़े से रह गए हैं। और यहाँ आंवले भी सूख रहे हैं, तो इनको मैं छोटे छोटे पीसेस में कर दिया था तो बहुत अच्छे से सूख गए ये भी। अभी इनको भी मैं
पैक करके रख दूँगी। और यहाँ मैंने ऑरेंज के छिलके भी लिए हैं, वो भी सूखने रखे हैं, और मैंने धनिया भी डाला था सूखने के लिए, उसका पाउडर बना के रखूँगी मैं। खड़े मसाले जो हैं दूध में डाल दिए हैं, और आज वैसे धूप भी कम लग रही है, कल बहुत ज़्यादा कड़क धूप थी। और अभी ना गेहूँ को मैं डालूँगी धूप में, क्योंकि बरसात से वॉश की हुई है ना, तो उसको अभी देखा भी नहीं मैंने, और बीच में मैंने पिसवाया था आटा, तो थोड़ा सा उसको कीड़ा लग गया था, तो मैं सोचा चलो थोड़ा सा धूप दिखा देती उसको, ताकि वो कीड़ा चला जाए, और उसको फिर ना क्लीन करके फिर हम रख देंगे उसको, क्योंकि बीच में हम यूज़ भी नहीं करेंगे तो वो फिर और कीड़ा लग जाएगा, तो उसको अभी मैं धूप में डाल देती हूँ। तो यहाँ मैंने बरामदे में ही बेडशीट को डाल दिया है, और हमने टेरेस में इसलिए नहीं डाला क्योंकि वहाँ पर कबूतर बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं गेहूँ को, और ऊपर से हमने छोटे छोटे बच्चों को भी छोड़ रखा है रैबिट के, तो मैंने सोचा यही मैं धूप लगा देती हूँ। तो अभी मैंने गेहूँ डाल दिए धूप में, तो अभी बाकी काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। यहाँ पर पानी भी आ गया, अभी पानी भर लेती हूँ, देखिए अभी नीचे जाके पानी भरना पड़ेगा। तो अभी मैं नीचे आ गई हूँ, और अभी ये मोटर ऑन कर देती हूँ, तो ये पानी अभी ऊपर जाएगा, ऊपर भी है स्विच, लेकिन अभी मैं नीचे आ गई तो मैं सोचा नीचे से ही ऑन कर देती हूँ, और ये ना नीचे का सम का नीचे का हिस्सा भी भर गया था पानी का, देखिए अभी मैं पानी भर लेती हूँ। ये हम लोग पानी तो नहीं पीते इसमें, खाना बनाने के लिए लेते हैं पानी, हम बाहर से लेके आते हैं आरओ से, आरओ हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि ऊपर का ना टैंक में पानी होता ना स्टोर होता, मेरे को बिल्कुल अच्छा लगता है वो, कि हम लोग घर में आरओ नहीं लगाते, बाहर से ही लेके आते हैं आरओ का पानी, क्योंकि वो यूज़ होता रहता ना पानी। तो यहाँ पर इसी माता है, तो इसको आप ये से निकालूँगी थोड़े से पत्ते, यहीं से मैंने निकाले थे, उसने आपको दिखाए थे, तो मैं पानी भर लेती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है शाम का 7:30, तो यहाँ मैं फास्ट के लिए आलू फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने तड़का भी डाल दिया है, पहले मैंने मूंगफली डाला, जीरा, सरसों और ग्रीन चिली और करी लीफ, और यहाँ मैंने रॉक सॉल्ट ले रखा है, यानी कि सेंधा नमक बोलते हैं इसको, तो इसको मैं ना अभी डिब्बे में डालूंगी, क्योंकि पहले जो सॉल्ट था डिब्बे वाला तो वो अभी फिनिश हुआ, तो अभी वॉश करने के बाद मैं इसको डाल रही हूँ। और ये यानी फास्ट के टाइम खाते हैं इस सॉल्ट को, आप सबको पता ही होगा, और यहाँ मैंने डाल दिया है, तो इसको अभी मैं आलू डाल दूँगी, इसको भी अभी मिक्स अच्छे से कर दूंगी, और 5 मिनट तक इसको ढक्कन लगा के ना कुक करूंगी, ताकि जो सॉल्ट वगैरह है ना अच्छे से मिक्स हो जाए। और मैं हल्दी वगैरह नहीं डालती हूँ, मिर्ची पाउडर भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि उसमें पता है क्या क्या मिक्स होता है। और यहाँ मैंने डिब्बे को पैक करके रख दिया है, और ये देखिए अभी आलू भी यहाँ फ्राई हो चुके हैं, तो मैं आपको सर्व करके बताती हूँ कैसे बने ये। तो ये देखिए अभी मैंने सर्व कर दिया है, बहुत अच्छे बने हुए हैं, और ये हम लस्सी, दही और मैं तो खीरा के साथ खाती हूँ। आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और अगर अच्छे लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो मिलेंगे अभी नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, बाय बाय, जय माता दी।